हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये कचालू चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही सिंपल है बनाने में घर पे, जो कि तीखा मीठा और चटपटा सा लगता है। आप कभी भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो कचालू लिए हैं, जिसको मराठी में रताड़ा भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है, आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं। तो अब हम इन्हें डायरेक्टली गैस पे सेकने के लिए रख देंगे। करीबन 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे और हमें इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी गैस पे रख दिया है इसको सेकने के लिए। तो अभी कम से कम 10 मिनट हो गए, इसे और भी हमें सेकना पड़ेगा ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। तो देख सकते हैं आप ऐसे ब्लैक ब्लैक हो गया इसका बाहर का, और हमें इसे बीच बीच में से हिलाते रहना ताकि सारे साइड से अच्छी तरह से सिक जाए। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको इसको रखना है। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, देख सकते हैं मैंने इसको गैस पे से निकाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा छील लेंगे, देखिये कुछ इस तरीके से हमें इसका आउटर जो पार्ट है उसको निकाल देना है। अब हम इसको इस तरीके से पूरा छील लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जो हमने कचालू लिया था, जिसको हमने छील लिया था, उसके मैंने इसे बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये भी आपको जितना तीखा पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो मुझे इसको यूज करना बहुत अच्छा लगता है। और आखिर में हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, ये गया चाट मसाला। ये तो अभी इतना टेम्पटिंग दिख रहा है कि खाने का मन कर रहा है। और लास्ट में मेरा सबसे फेवरेट नींबू, इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे ताकि खट्टा मीठा फ्लेवर है और बहुत टेस्ट लगता है ऐसा। अब हम इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा ये कचालू का चाट बनके रेडी है। ये देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत चटपटा तीखा मीठा सा, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन होगा उसको क्लिक कीजिए, साथ ही में बाजू में घंटी का बटन होगा उसको भी दबाइए। तो अगर आप ये रेसिपी घर पे बनाए तो उसका प्लीज फोटो निकालिए और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में छोड़ दूंगी। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।